Hello everyone. So question number 31. Which of the following train is also known as Buddha Circuit train? A, B, C, D. Answer is B, Mahaparinirvan Express. Basically ye train ya ye jo scheme tha, ye jo Buddhist tourist ya Buddhist pilgrims ko attract karne ke liye tha. Question number 32. Which of the following is not an Indian investigating agency? A, B, C, D. Answer is B, CIA. CIA and FBI ye USA ka hai. बाकी CBI, CID, रो ये इंडिया का. CIA जो ये बेसिकली स्पाई का जैसे काम करता है, जैसे इंडिया का रो है ना उसका जैसे काम करता है, और उन लोगों का FBI इज लाइक फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेटिंग, वो CBI जैसा. क्वेश्चन नंबर 33. हु वॉज द पोलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी जी? गांधी जी का पोलिटिकल गुरु कौन सा था? तो ए बी सी डी अगर आपको मालूम नहीं होने से भी, बट इफ़ यू नो डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट लीडर, तो यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट ए सी एन डी लाल बाल पाल ये लोग एक्सट्रीमिस्ट लीडर था. तो गांधी जी बींग वेरी मॉडरेट, तो उसका गुरु भी तो कोई मॉडरेट ही होना होगा. आंसर इज बी, गोपाल कृष्ण गोखले. 34. ज्ञानपीठ अवार्ड इज कन्फर्ड इन द फील्ड ऑफ? किस चीज़ के लिए मिलता है ज्ञानपीठ अवार्ड? ए बी सी डी. आंसर इज सी, लिटरेचर. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो लेटेस्ट ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? 2019 को मिला है. द आंसर इज ए के नंबूतिरी. ए के नंबूतिरी इज ए पोइट मलयालम भाषा में, नो ए के नंबूतिरी. क्वेश्चन नंबर 35. विक्टोरिया मेमोरियल इज लोकेटेड इन? विक्टोरिया मेमोरियल ये एक म्यूजियम है, ये लोकेटेड इन कोलकाता. ए तो अब वो ताजमहल जैसा ही है ना, व्हाइट मार्बल से बनाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36. ताजमहल इज बिल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर? वेरी इजी, बी यमुना. 37. द धौला सदिया ब्रिज स्पेंस द रिवर, मतलब धौला सदिया ब्रिज कौन सा रिवर के ऊपर बनाया है? ये सब हम लोगों को तो मालूम होना ही है बींग अरुणाचली या बींग नॉर्थ ईस्ट जो भी है. तो आंसर इज बी, लोहित रिवर पे बनाया है, ये असम और अरुणाचल कनेक्ट करता है ना. तो आंसर इज बी, लोहित. इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट होता है कि बोगीबिल एंड धौला सदिया ब्रिज नो थोड़ा सा डाउट रहता है. तो ये जो धौला सदिया ब्रिज है इसका नया नाम अभी है क्या है? भूपेन हजारिका सेतु. जो भूपेन हजारिका है उसका नाम पे रखा गया है भूपेन हजारिका सेतु. इसका लंबाई है 9.15 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर लंबा है काली ब्रिज का, और जो इसका विड है वो ऑलमोस्ट 13 मीटर है. और जो बोगीबिल ब्रिज है ना वो ब्रह्मपुत्र के ऊपर बना है, वो तो विद इन आसाम का डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बना हुआ है ना, तो वो अरुणाचल से लेना देना नहीं है. वो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना है बोगीबिल ब्रिज, उसका लंबाई करीब करीब 5 किलोमीटर है. क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया लीड्स इन रबर कल्टिवेशन? ए बी सी डी. असम मेघालय त्रिपुरा एंड मणिपुर. इसमें आंसर है सी, त्रिपुरा. त्रिपुरा इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड रबर कैपिटल ऑफ इंडिया. द सेकेंड रबर कैपिटल ऑफ इंडिया, तो नंबर वन कौन है रबर प्रोडक्शन इंडिया में बोलने से? आंसर वुड बी केरला. त्रिपुरा में ऑलमोस्ट 61,000 हेक्टर्स के ऊपर इसका प्लांटेशन करते हैं, और आसाम में ऑलमोस्ट 36,000 हेक्टर नो. क्वेश्चन नंबर 39. व्हेन डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर ट्रांसजेंडर टू बी ए थर्ड जेंडर इन इंडियन लॉ? सुप्रीम कोर्ट ये ट्रांसजेंडर को भी मतलब थर्ड जेंडर मान लिया आफ्टर मेल एंड फीमेल, क्योंकि हम लोग जब भी फॉर्म भरते हैं तो आप क्या पूछते हैं ना, मेल या फीमेल, बट नया एक ऑप्शन भी होना पड़ेगा ट्रांसजेंडर. ये सुप्रीम कोर्ट बोला था, ये सुप्रीम कोर्ट बोला था ए 15 अप्रैल 2014. ये बहुत फेमस केस ही था, उसको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं केस को. क्वेश्चन नंबर 40. इताफोर्ट और फोर्ट ऑफ ब्रिक्स इज लोकेटेड इन? इसको तो सब मालूम होना है, इताफोर्ट, इटानगर. आंसर इज डी, पर इसको बनाया कौन था और कब बनाया था ये इम्पोर्टेंट हो सकता है. इसको बनाया गया था अराउंड 14th-15th सेंचुरी ना, बाय कौन सा डायनेस्टी? Not Ahom. It was built by Chutia dynasty. Question number 41. The Constitution of India was adopted on? ये थोड़ा सा tricky है. The Constitution of India was adopted on? Answer is B, 26 November 1949. क्योंकि इसमें जो Constitution Assembly था जो Constitution को draft किया था वो लोग इसको मतलब एडॉप्ट कर लिया था. तो आंसर इज 26 नवंबर 1949. बट यस केम इनटू फोर्स ये हुआ था 26 जनवरी 1950 जब पूरा पूरी, अदरवाइज 26 नवंबर को सिटीजनशिप वगैरह वगैरह कुछ कुछ
ऑलरेडी लागू हो चुका था. तो एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर बट फुली यू नो केम इन टू फोर्स इन 26 जनवरी. इसका सबसे बड़ा सबूत बोलने से जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाता है ना वो 26 नवंबर होता है ना कि 26 जनवरी. क्वेश्चन नंबर 42, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विराट कोहली मेरिट इन. ये क्वेश्चन बहुत बकवास था फिर भी आंसर इज बी इटली. क्वेश्चन नंबर 43, द मिस वर्ल्ड 2017 पिजन विनर मिस मनुषी चिल्लर हेल्स फ्रॉम हरियाणा. ये भी आउटडेटेड हो गया तो नया क्वेश्चन ये हो सकता है कि अभी कौन है फिलहाल मिस इंडिया, ये पूछ सकता है. तो आंसर इज सुमन राव. या तो ये पूछ सकता है कि मिस वर्ल्ड कौन है, प्रेजेंटली मिस वर्ल्ड कौन है, तो आंसर वुड बी टोनी आन सिंह. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है बोलने से, नाम इसमें थोड़ा इंडियन है, टोनी आन सिंह, बट सी इज जमाइकन ना. वो उसका पिताजी मतलब कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन से कहा था. तो टोनी आन सिंह मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स इज जो जीबिनी तुंजी, साउथ अफ्रीकन कोई लेडी है. क्वेश्चन नंबर 44, हु इज द सीईओ ऑफ फेसबुक हु वाज इन न्यूज रिसेंटली फॉर सिक्योरिटी ऑफ डाटा. तो फेसबुक का मालिक कौन है, मार्क जुकरबर्ग अंग बन करके. तो इसमें ये पूछ सकता है कि बिल गेट्स तो पता ही है सबको ना, ये जो सुंदर पिचाई है या पिचाई सुंदर राजन पूरा नाम जो इसका है, ये क्या, ये कौन है. तो ही इज लाइक सीईओ ऑफ अल्फाबेट. अल्फाबेट जो पेरेंट बॉडी है ना ये इसका गूगल का, तो सुंदर पिचाई जो है वो अल्फाबेट या गूगल का सीईओ है. एंड ये जो सत्या नदेला है ये सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट का. क्वेश्चन नंबर 45, द मोस्ट रिसेंट बुकर प्राइज वोन बाय हु ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस. ये चारों का चारों ने ये अवार्ड जीता है तो सबसे लेटेस्ट कौन जीता है बोलने से, आंसर इज ए अरविंद अदिगा. ऑप्शन ए अरविंद अदिगा, ये 2008 में जीता था शायद, ये द वाइट टाइगर के लिए जीता था. क्वेश्चन नंबर 46 ये पूछ रहा है कि इन विच ईयर आधार बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम लॉन्च इन इंडिया. जो हम लोग का आधार कार्ड या जो भी सिस्टम है ये इंडिया में कब लॉन्च हुआ था. ये लॉन्च हुआ था इन द ईयर 2009. तो ऑप्शन इज डी, टू बी वेरी स्पेसिफिक 28 जनवरी 2009. क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट्सएप मैसेंजर ओरिजिनली डेवलप्ड बाय माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया वॉज एक्वायर्ड इन 2014 बाय. व्हाट्सएप को कौन खरीद लिया बोलने से, ए फेसबुक. आंसर इज ए फेसबुक. क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजिन. मैं जब कुछ ढूंढता है नेट में या नेट बोल के तो मैं क्या यूज़ करता है, गूगल यूज़ करता है या बाइडू या बिंग, ये सब चाइनीज है बाइडू लोग ना. तो गूगल बिंग बाइडू लोग सर्च इंजिन है, लेकिन इंस्टाग्राम तो पता ही है एक सोशल मीडिया फोटो अपलोड करने के लिए, तो ये अलग चीज़ है. तो आंसर इज दी इंस्टाग्राम. क्वेश्चन नंबर 49, What prevents Indian citizens who are not Jammu and Kashmir citizen from acquiring immovable property and exercising voting rights in Jammu and Kashmir? तो अभी के लिए outdated हो गया ये, but answer would be like option B, Article 35A. पर अभी सबको पता है 370 35A को Indian government ने हटा दिया है ना. तो अभी के लिए बोलने से important question ये पूछ सकता है कि Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 जो जिसका वजह से दोनों को ये यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो ये कब लागू हुआ था, कब इफेक्ट में आया था, ये पूछ सकता है एग्जाम में. तो आंसर इज 31 अक्टूबर 2019. हाँ अगस्त समय को वो बिल लाया था राज्यसभा लोकसभा जो प्रेसिडेंट एसेंट दिया है, लेकिन कब से इफेक्ट हुआ है बोलने से 31 अक्टूबर 2019. क्वेश्चन नंबर 50, हु वॉज रिसेंटली कन्विक्टेड इन ब्लैकबर्ड पोचिंग केस. अब ये भी आउटडेटेड हो गया, ये तो बी सलमान खान था. क्वेश्चन नंबर 51, द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स वेयर हेल्ड इन. ये हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में. तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स होगा वो आफ्टर एवरी 4 ईयर्स होता है. दो तो अभी अगर 2018 में हुआ था तो नेक्स्ट वुड बी इन 2022, वो कहाँ में होगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो आंसर वुड बी लाइक बर्मिंघम, वो इंग्लैंड है ना, उसमें होगा नेक्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा. क्वेश्चन नंबर 52, द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स मार्क द डेब्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. इसमें आंसर इज दी बीच वॉलीबॉल. इसमें इंडिया लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था. ये 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स का एक बहुत खासियत इंपॉर्टेंट था बोलने से, ये है कि उसमें जेंडर इक्वलिटी था. मतलब ये कि उसमें सेम नंबर ऑफ स्पोर्ट्स या सेम नंबर ऑफ इवेंट्स बोथ फॉर मेल एज वेल एज फीमेल. अदरवाइज पहले क्या होता था कि लड़की लोगों का स्पोर्ट्स या इवेंट्स कम होता था, पर 2018 में इक्वल था. क्वेश्चन 53, हु रो दी इपिक पोएम पद्मावत. आंसर इज बी मलिक मोहम्मद जयसी.
Question 54. APJ Abdul Kalam died while lecturing in Shillong at answer is C. IIMM, Indian Institute of Management. Option is C. Question number 55. Recently, which company was named for having gained illegal access of users' data from Facebook? ये भी outdated हो गया, but answer is C. Cambridge Analytica. Question number 56. Which of the following is not an official website of Indian Railways? ये थोड़ा बहुत मुश्किल था नो, बहुत सर्च करने के बाद फाइनली हमको लगता है ऑप्शन ए इज नॉट दी लाइक नो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडियन रेलवेज. बाकी जो नीचे IRCTC जो कैटरिंग वाला ये सब लोग तो है, इंडियन रेलवे तो हाई है, तो आई थिंक ऑप्शन ए इज राइट, इज नॉट दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडियन रेलवेज. क्वेश्चन नंबर 57. विच ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर 2018 हैथ नो फुल मून्स? ये भी आउटडेटेड हो गया, बट आंसर इसमें फेब्रवरी था. तो नेक्स्ट कब होगा बोलने से कौन सा, नेक्स्ट मतलब फेब्रवरी में फुल मून नहीं होगा, कब होगा मींस 2037 में होगा. ये आफ्टर एवरी 19 ईयर्स होता है, आफ्टर द इंटरवल ऑफ एवरी 19 ईयर्स. क्वेश्चन नंबर 58. द टर्म ब्लू मून रिफर्स टू, ब्लू मून किसको बोलते हैं? ब्लू मून एक्चुअली दो, इसका दो है डेफिनेशन. एक होता है सीजनल ब्लू मून ना, जिसमें क्या होता है कि आफ्टर जब दो सीजन का बीच में, दैट इज लाइक स्प्रिंग समर हो गया या समर ऑटम हो गया, जो भी बीच बीच में, उसमें तीन ये फुल मून होते हैं, पर कभी कभी उसमें चार फुल मून हो जाते हैं ना, तो वो जो थर्ड जो फुल मून है उसको वो लोग ब्लू मून बोलते हैं. और दूसरा डेफिनेशन ये है कि एवरी मंथ हम लोग एक फुल मून होते हैं, क्योंकि मून का एक उसका अपना डायरेक्ट पूरा पेस कंप्लीट करने के लिए 29 डेज जैसा लगता है ना, तो एवरी मंथ हम लोग का पास एक फुल मून होता है. लेकिन क्या होता है कि कभी कभी दो फुल मून होते हैं हम लोग का एक महीना में ना, ये उसको भी बोलते हैं हम लोग. तो जो सेकेंड जो फुल मून है उसको हम लोग ब्लू मून बोलते हैं. तो उस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द थर्ड फुल मून इन ए सीजन विथ फोर फुल मून्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट कवर्ड अंडर GST? GST के अंदर में इन चारों में से इन में से कौन जिसको कवर नहीं करते हैं? आंसर इज ए, डीजल एंड पेट्रोल. क्वेश्चन नंबर 60. व्हेन डिड GST कम इनटू इफेक्ट इन इंडिया? GST इंडिया में कब इफेक्ट में हुआ है? बिल लेके आना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन इफेक्ट कब हुआ ये इंपॉर्टेंट रहता है. तो क्वेश्चन नंबर 60 इज लाइक 1st July 2017, ऑप्शन बी 1st July 2017. क्वेश्चन नंबर 61. LPG एंड इनफ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन इज मेनली, LPG का मेन जो कॉन्स्टिट्यूंट क्या है पूछ रहे हैं. तो आंसर इज सी, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. डी भी लगता है कि प्रोपेन ब्यूटेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स, बट यहाँ पूछे कि मेन क्या है, तो मेन बोलने से प्रोपेन एंड ब्यूटेन है, वाई टू गिव इम्पोर्टेंस टू दिस अदर हाइड्रोकार्बन्स नो. तो आंसर इज सी, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. क्वेश्चन नंबर 62. Which of the following became the first artificial satellite of Mars to successfully enter the orbit on May 30, 1971? Mars का orbit में कौन घुसा था सबसे पहले? Answer is D, Mariner 9. Answer D, Mariner 9. Question number 63. Ruskin Bond received Sahitya Academy Award for his book. Answer is B, Our Trees Still Grow in Dera. रस्किन बॉन्ड ये एक्चुअली बोलने से ब्रिटिश ओरिजिन का या ब्रिटिश डिसेंडेंट है, जो अभी इंडियन सिटीजन है ना, एंग्लो इंडियंस है ये, परफेक्ट एग्जांपल फॉर एंग्लो इंडियंस. क्वेश्चन नंबर 64. द 2017 नोबेल पीस प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू, ये भी आउटडेटेड हो गया, बट इस समय को शायद बी को मिला था, आइकन को, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स. द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुड बी लाइक अभी किसको मिले नोबेल प्राइज फॉर पीस, ये इंपॉर्टेंट है. तो इसका आंसर है अभी अहमद, अभी अहमद 2019 को, ये इथियोपियन का प्राइम मिनिस्टर है, इसको मतलब पीस अपना पड़ोसी लोग से पीस मेंटेन किया है या करने के लिए जो एफर्ट डाला है उसके लिए दिया गया. क्वेश्चन नंबर 65. द फोर्थ जनरेशन ऑफ ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क 4G टेक्नोलॉजी डस नॉट हैव द एप्लीकेशन ऑफ, तो 4G जो टेक्नोलॉजी है इन चारों में से किस में मतलब इसका एप्लीकेशन नहीं होता है? तो थोड़ा बहुत सर्च करने के बाद हमको लगा है कि इसका आंसर इज लाइक 3D टेलीविजन, सी ऑप्शन सी. IP टेलीफोनी तो होता है, मीमो तो होता है, तो बी एंड सी में तो डाउट है, बट आई थिंक आई विल गो विथ सी. अगर किसी को मालूम है तो दे कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन.
Question number 66. Between 9 and 25 February 2018, the 23rd Olympic Winter Games were held in. Winter Olympics, Summer Olympics, alag alag hain. But hum jo Olympic bolte hain, that's Summer Olympic. Winter Olympic ya Winter Games matlab hamesha thoda barf se lena dena hota hai na, wo log skating ho gaya ya jisme thoda barf ka istemal to nahi bolega, but usme wo games barf pe zyada chalta hai. To answer is B, South Korea, Pyongyang ka dagyo, South Korea. To इसमें नेक्स्ट कब होगा ये इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट ये विंटर गेम्स कहाँ होगा, ओलंपिक विंटर गेम्स. आंसर इज चाइना, बीजिंग में होगा. क्वेश्चन नंबर 67. ब्लैक बग इज द स्टेट एनिमल ऑफ. सब मरेगा राजस्थान, बट आंसर इज दी आंध्र प्रदेश. राजस्थान को इसलिए मरेगा क्योंकि सलमान ने वहाँ पे शिकार किया था. बट आंसर इज दी ब्लैक बग इज द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 68. समता दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ. समता दिवस किसका बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं. तो आंसर इज सी, बाबू जगजीवन राम. बाबू जगजीवन राम वॉज दलित लीडर. लाइक ये पिताजी है वो मीरा कुमार का. मीरा कुमार को पता होगा, वो जो स्पीकर था ना लोकसभा का, उसका पिताजी है बाबू जगजीवन राम. क्वेश्चन नंबर 69. द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इन विशेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 552. लोकसभा का इतना होना है 552. 534 स्टेट्स ना, 20 फॉर यूनियन टेरिटरीज एंड 2 फॉर एंग्लो इंडियंस. आंसर वुड बी सी 552. हु इज द इनकम्बेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा. क्वेश्चन नंबर 70. उस समय तो बी चलो सुमित्रा महाराजन था, सॉरी महाजन था, बट राइट नाउ इट्स लाइक ओम बिरला ना, 17 लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला. क्वेश्चन नंबर 71. अकॉर्डिंग टू द करंट प्रोविजन इन लॉ द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज. राज्यसभा का कितना होगा, ये आंसर इज बी 245. इसमें 233 फॉर लाइक स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज एंड 12 टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज़न्ट इट. तो सो दोनों को मिला के 245. क्वेश्चन नंबर 72. द इनकम्बेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया इज. उस समय तो पटेल साहब था, बट राइट नाउ इट्स लाइक शांतिकंठ दास ना. क्वेश्चन नंबर 73. व्हेन वाज द न्यू सिंबल फॉर इंडियन रूपी जो रेबल ऑफिशियली अडॉप्टेड, कब हुआ था. 73. आंसर इज 2010, 15 जुलाई 2010. उदय कुमार जो उसको क्या बोले डिजाइन किया था. क्वेश्चन नंबर 74. हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2018. ए मीराबाई चानू. पर क्या के लिए मिला था ये इंपॉर्टेंट है. सी इज लाइक वेट लिफ्टिंग के लिए मिला था उसको. क्वेश्चन नंबर 75. द देवनागरी स्क्रिप्ट हैज प्राइमरी कैरेक्टर्स. कितना उसका है मतलब प्राइमरी कैरेक्टर्स है देवनागरी स्क्रिप्ट का. तो आंसर इज 47. 14 वोवेल्स है एंड 33 कॉन्सोनेंट्स है. तो 14 प्लस 3 इक्वल टू 47. आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 76. द रोंगिया पीपल आर ऑल्सो नोन एज. रोंगिया पीपल को क्या बोला जाता है जो म्यांमार में एक्चुअली मिलता है. ये म्यांमार में, म्यांमार का जो राकिनी जो स्थित है उसमें मिलता है. तो म्यांमार का जो गवर्नमेंट है या म्यांमार का जो आदमी लोग उसको बोलते हैं, ये लोग तो बंगाली है तो ये लोग बांग्लादेशी है. बट आंसर शुड बी बी म्यांमारीज, बिकॉज हम लोग 60% देखेगा ना, तो एक्चुअली ये लोग कहाँ में रह रहा था बोलने से डेफिनेटली ये लोग म्यांमार में रह रहा था, तो दे आर म्यांमारीज नो. क्वेश्चन नंबर 77. आफ्टर एंटरिंग इन टू बांग्लादेश द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज. ये इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत है, ये थोड़ा स्टेटिक है नहीं, बार बार पूछते हर एग्जाम में. ब्रह्मपुत्र को जब वो आसाम सॉरी जब वो बांग्लादेश में कुछ होते हैं तो उसका नाम पड़ जाता है जमुना, उसको जमुना बोलते हैं. और जो गंगा जो रिवर है उसको बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा, और पद्मा और मेघ पद्मा और जमुना जब मिलता है तब उसको बोलते हैं मेघना. बाद में फिर मेघना जाके कहाँ मिलेगा, ओशन में. क्वेश्चन नंबर 78. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैब सर्विस. तो इसमें एक्चुअली आप इसको ये एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं. जैसे ओला तो सबको पता है, उबर सबको पता है, मेरू भी कहीं ना कहीं सुना है. तो ये एक्जिगो एक्जैक्टली मालूम नहीं है कि है क्या, बट सिंस अभी तीनों को सुना है तो यू कैन लाइक नो कि मार सकते हैं दी. तो ऑप्शन दी. क्वेश्चन नंबर 79. द मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम इनफॉर्मली नोन एज मंगलयान एंटर्ड मार्स ऑर्बिट ऑन. ये कब इसको यहाँ से स्टार्ट किया था, कब वहाँ गया था वो इम्पोर्टेंट नहीं है. वो मार्स ऑर्बिट में कब एंटर किया ये इम्पोर्टेंट है.
तो आंसर इज बी 24 सितंबर 2014. आंसर इज बी 24 सितंबर 2014. ये इम्पोर्टेंट है इसका क्वेश्चन. इसमें क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 ये पूछ रहा है कि हु हैज नॉट वॉन द इंदिरा गांधी पीस प्राइज. इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसके लिए देते हैं? ये फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट के लिए देते हैं बाय लाइक इंदिरा गांधी ट्रस्ट जो है. तो इन चारों में से किसको अभी तक नहीं मिला ये पूछ रहे हैं. तो महाचक्री श्री द्रोण इसको मिला है, ये शायद थाईलैंड का कोई प्रिंसेस था. वंगारी माताई इसको भी मिला है, शेख हसीना को डेफिनेटली मिला है. तो आंसर इज दी हिलरी क्लिंटन, इसको अभी तक नहीं मिला है. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि लाइक हु गोट द लेटेस्ट या रिसेंट 2019 को ये अवार्ड मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज. आंसर इज डेविड एटनबरो, इनफैक्ट सर डेविड एटनबरो जो डिस्कवरी चैनल में एक नहीं बोलता है कि जानवर का बारे में जो नरेटर वो है ना, डेविड एटनबरो. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू.